इस शो का नाम है स्टूपिड मैन स्मार्ट फोन। आई जस्ट वांट टू प्लग दैट इन। जी नाइस। इस शो को चूज करने कुछ खास वजह क्या है, सबसे ज्यादा क्या पसंद आया इस शो के बारे में? एडवेंचर रियलिटी शो है, सबकी अलग अलग वजूहत हैं शो ज्वाइन करने के। मैंने इससे पहले कभी ऐसा एडवेंचर रियलिटी शो किया नहीं था, तो जब इन्होंने मुझे बताया ऐसा ये मुझसे करवाना चाहते तो मैं तो पहले हतप्रभ रह गया कि मुझे कैसे सूझा, मैं कैसे सूझा इन्हें। पर भाई सुपरस्टार, वेब की सुपरस्टार। तो बट हाँ, it was a really fun journey. Should keep trying new things. For me, it was more of I've been doing a lot of movies, which thankfully is going really strong. At the same time, I love traveling. And I've done one show before, which was kind of an adventure travel show. I've never really done anything in the reality space as such. And this is real. This is very real. It's a survival show. For me, I love exploring cultures and new places. So when they asked me to go into the jungle of Tamil Nadu, that was quite exciting. And of course, I had Sumeet to take care of me, so it's okay. And Sumeet had you. Yes. Yeah. That's true. I mean, they told me that you have to survive in a jungle of Tamil Nadu with Evelyn Sharma. I said, yeah. And I was a Girl Scout. Absolutely. I was a Girl Scout for a whole day when I grew up. For a whole day. Yeah. All that fire making and all these things. Pura ek din. Yeah, it was too much. Yeah, it was too much. With the spiders and all these things. Yeah. That's cool. डिफ़िकल्ट एक हाँ करेक्ट। सो बेसिकली एडवेंचर बहुत कर चुके हैं, मुश्किल टास्क जो कि यू नो आपके फिज़िकली बहुत यू नो एंडियरिंग होते हैं वो सब कर चुके हैं, लेकिन एक अलग एक फ्लेवर है इस शो का जो कि सर्वाइवल पे है, जहाँ पर आपके पास क्रू नहीं है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, आप फंस जाते हैं। आपको अपने जो बेसिक इंस्टिंक्ट है आपकी जो कि हर ह्यूमन्स के अंदर है कि बचना कैसे है, यू नो जिंदा कैसे रहना है, तो ये उसको जाके थोड़ा सा ना ट्रिगर करता है। सो आई थिंक दैट वाज द फन पार्ट, जो थ्रिल पार्ट वो ये था। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि मैं दुनिया के सबसे ऊंचे टावर से कूदा हूँ, लेकिन तब सब कुछ बंधा हुआ था, तो हम बंजी कर रहे हैं, उसका थ्रिल है, एडवेंचर है। डेंजरस कितना है मालूम नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत लोगों ने टेस्ट एंड ट्राई किया है। बट यहाँ पर जब मैं और सुमित डिसाइड करते हैं कि यार ये रिवर क्रॉस करने के लिए हमें खुद का दिमाग लगा के बोल रहे कि लक्कड़ वक्कड़ बांध के, बोतलें बांध के राफ्ट बनाते हैं, ये किसी ने टेस्ट एंड ट्राई नहीं किया यू नो। और क्योंकि फॉर्मेट ही ऐसा है ना, उनको क्या मालूम क्रू को कि हम क्या दिमाग लगाने वाले हैं, क्योंकि हमसे बात नहीं कर रहे हैं। सो अगेन सर्वाइवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के ऐसे कल्चर्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, अरुणाचल जैसे मैं अपने बात कर रहा हूँ। सो वो लोग कैसे सेल्फ सफिशेंट तरीके से जीते हैं, आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो अपना ही एक उन्होंने बनाया हुआ है दायरा जिसके अंदर वो जीते हैं, अपना ही खाने का है, अपना ही एवरीथिंग from food to water to everything that you need in a day to day life वो उनके पास है, क्योंकि 7-8 घंटे उनको लगते हैं नीचे उतरने के लिए, कुछ खरीद के वापस जाने के लिए, तो अभी भी वहाँ बार्टर सिस्टम चल रहा है। इन लोगों को देखना लाइव और रियलाइज़ करना है कि इनकी ज़िंदगियाँ कितनी टफ तो हैं ही, लेकिन कितनी सुखी भी हैं यू नो। सो इट वाज लाइक अ सेल्फ लर्निंग यू नो एक्सपीरियंस which was great you know. And like the show name says Stupid Man Smart Phone, so we were really relying on the phones, and I would say it's a very light comic take on survival as well, like for the viewers, not so much for us. But I love entertaining, and I love making my fans laugh, and I love for them to have this good feeling, and I think it's a very good feeling show. When you watch it, you'll feel happy even though we are going through tough situations. You'll see that I mean we have survived, so it's all good. Evelyn is a Girl Scout. और इसमें एक वो भी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आप अपने फैंस जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, वो इस पूरी चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। वो जब आप फंस जाते हो, हाँ कि आप कहीं फंस गए, आपको नहीं समझ आ रहा कि यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ का रूट क्या है, यहाँ के खाने क्या है, क्या कर सकते हैं, तो आप उनको फ़ोटो भेजते हो, आप उनसे सवाल पूछते हो कि भाई मैं ऐसी ऐसी जगह पे पहाड़ में या रेगिस्तान में या जंगल में अटक गया हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मुझे ये पौधा दिखा है, क्या इसे मैं खा सकता हूँ? या जैसे मुझे एक मशरूम मिल गया, इनको लगा कि वो खा सकते हैं क्योंकि इतने भूखे हो, फैंस ने हेल्प की हुई है। इतने आप यू नो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया क्योंकि वो अंकल फिर से मच्छी ऑफर कर रहे थे जो कि हमें नहीं खानी थी, तो हम निकल पड़े वहाँ से, देखा कि यार ये मशरूम इतना अच्छा दिख रहा है, अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपने ना पानी पिया है ना खाना खाया है और आप 2 घंटे से 3 घंटे से ट्रैक करो, चढ़ रहे हो पहाड़, ये नहीं कोई रास्ता है, जंगल टाइप का ही है, उसको चढ़ रहे हो और उसके बीच में मशरूम दिखता है ना, तो वो जो जैसे वो रेगिस्तान में पानी नहीं दिखता, वो वाली फीलिंग आ रही थी। सो आई थिंक ये पहला ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंटेग्रल पार्ट हैं शो के, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, helping us and guiding us. I think most of our fans are actually excited to see the show because they are part of the show. Yeah. And they will see themselves, you know, in the show, which is yeah, a lot of fun. Okay, there are so many shows on air, you know, and we have seen it, you know, which is your favorite show? Another three of you, you know, which is your favorite reality show? Reality shows में से I think my I don't know यहाँ पर है, I have a lot of reality shows which I but Shark Tank is something that I'm addicted to. I think उसका एक इंडियन वर्जन भी है MTV पे, वैसा ही कुछ। Yeah, it's called On the Job. But the idea of you know the concept where you can have a dream and there are people who can help you, you know, give their best of their knowledge and make you succeed in life with your dream. It's amazing how you know normal people who we don't expect anything out of, वो आते हैं brilliant ideas लेके. And you know, and they have a potential of making it huge, you know, billionaires. Yeah. That is my. My favorite show would be Big Boss. I think if there's any other survival show right now, that's Big Boss because it's really hard to survive on there. I like to watch it. Huh? I you don't want to be a part of it. मैं अभी करने वाला था फोन में। Evelyn ready है इस बार की casting के लिए। I think no, I think they've been calling me every year asking me, hey Evelyn, I think now it's time for you to go on Big Boss, but I'm not Evelyn, like I think I'd be crying all day on the show. That's too much of adventure for you. Yeah, it's too much of survival for me. My favorite show would be. I don't watch much reality television. I generally don't watch. Stupid Man Smart Phone बोल दो. Stupid Man Smart Phone is going to be my favorite reality. The show also carries a social message. You know, the current humans and video posts and reflections. Yes. वो लोग कैसे survive करते हैं, कैसे जिंदगी बसर करते हैं. ना तो दो किस्म के message हैं इसमें. एक तो वो कि हम अपने we are so addicted to our phones on a daily basis, but we don't realize that you like it or hate it. This is your best friend, and it is the truth of our times that this guy is your best friend, and this show clearly proves it. So maybe you don't have to look at it so negatively, and maybe you can look at it a little positively. And secondly, what I learned, and I'm sure they also learned, is that at the end of the day, you need bare basics to survive. You know, when you have everything, you know, at your disposal, from ordering your groceries to everything is on your phone, and you have your staff working for you and everything. But जब आप ऐसी किसी situation में पहुंच जाते हो तो आपको लगता है कि आप एक लहसुन से, एक आलू से, थोड़ी सी आग से, एक छत के नीचे survive कर सकते हैं। खेतों में घुस-घुस के मक्की चोरी कर रहे थे, टमाटर चोरी कर रहे थे। So you know the thing is that जैसे आपने पूछा कि what is the lesson that people learn? It's true because हमें लगता है कि technology जो है वो एक बहुत बड़ी you know evil वो चीज़ बन चुकी है सबके लिए, you know. There are so many memes and gifs on internet where people are out on dinner and lunch and they're only on their smartphones. That is bad. I agree. That's not good. But we were in the middle of nowhere, and I really think that we survived on the basis of the information that we were getting out of our cell phones. Yeah. And I think if technology put to good use, can do wonders. Yeah, I agree. I agree that the main message of the show is that you know, appreciate nature, but find that balance with your smartphone. It's your help, it's not your enemy. It's actually your savior on this show. यहाँ पे खाने के बांधे हो रहे थे तो फाइटिंग कहाँ से करते हैं? यहाँ पे नेचर से फाइटिंग हो रही थी हमारी जो वो no, I think I got along very well with Sumeet because you know he's a very, very calm sort of person, काफ़ी and but he's also ये बोलते रहते हैं कि मैं इतना adventure नहीं हूँ. I think मेरे से ज़्यादा adventurous ही हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा है stamina. But I had a great time because you know if you जब आप ये show देखेंगे ना तो ये एक वो जो reality shows में एक चीज़ वो लेके चलते हैं कि लोगों को जब लड़ते हुए देखते हैं तो TRP ज़्यादा है. I'm being very honest here. सब reality shows उस पर चलते हैं and unfortunately हम लोग भी कई बार उसके part होते हैं. बट इस शो में ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप इस तरह के शो में सोलो ट्रिप जाना पसंद करेंगे? यार सोलो में मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक मेरे को मज़े इसलिए आए क्योंकि मैं सुमित के साथ था, हम एक साथ मिलके मतलब वो कर रहे थे। उसका मज़ा इसी में था कि हमारे साथ एक पार्टनर था और आप दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे को टेम्परमेंट को समझते हैं। करेक्ट, यू नो, एंड दैट्स पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल। नो, इट्स लाइक अ जर्नी। जैसे कुछ दोस्त जाते हैं घूमने फिरने पर, इसमें ऐसा है कि पैसे और खाना वाना हमसे छीन लिया गया है और सही बात है, हमारे ट्रू कैरेक्टर्स ऐसी सिचुएशंस में ही निकल के आते हैं। आपकी सही पर्सनालिटीज़ क्या हैं वो निकल के आती हैं। एविलिन ने तो मना कर दिया कि इसके बाद नहीं करेगी तो वो बड़ा एक्सट्रीम शो है, पता है, क्योंकि वो जिसमें जो लोग हैं वो भी एक्सपर्ट हैं, वो यही काम करते हैं। हम कुछ और काम करते हैं, मैं एक्टर हूँ, हम सब एक्टर्स हैं, तो हमारा वो प्रमुख काम वो नहीं है, सर्वाइवल। देखो वो शोज आई थिंक इंडिया में किसी ने अभी तक कोई सर्वाइवल शो नहीं। हाँ, आई डोंट थिंक, क्योंकि इंडिया में वैसे लाइफ में ही आप यहाँ से घर तक पहुँचो अपने आप में एक सर्वाइवल शो है। इतना ट्रैफिक, इतना खतरा है। इट्स गोना बी अ फन शो बिकॉज आप देखोगे कि उन्होंने चूज करके सिचुएशंस ऐसी बनाई थी जिसमें कि हम अटकेंगे। लाइक उनको मालूम है कि सुमित की वीक पॉइंट्स क्या हैं या मेरी वीक पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे वीक पॉइंट्स नहीं है। Spider. Who is Spider? So that's what I'm saying. So then you'll see a lot of fun on the show. You'll be very very entertained watching the show. Karan, during the shooting, like जैसे अभी सुबह से चुप रहती है, आप दोनों बातें करें। अभी shooting में बहुत सारे शूटर साइलेंट रहते थे कि आप। Unfortunately मैंने नहीं काम किया है एवलिन के साथ, but मुझे लगता है मैं और एवलिन साथ में थे। एवलिन पूरा दिन तो नहीं चुप रहती है, हम लोग काफी बातें करते हैं। I just get hangry at sometimes because I'm German Punjabi. I need to eat and I need to eat a lot. So throughout the jungle, जब आप hungry होते हो और angry भी होते हो तो hangry हो जाते हो। Yeah, when I saw that chicken. या जब एवलिन हैंग्री होती है तो उसको ई हैंग्री बोलते हैं क्योंकि ओनली स्मार्टफोन नो।